दियों की बिक्री से भी खुशियां मिल सकती हैं, यह तो सपने जैसा ही था। एसपी यमुना प्रसाद ने इसे हकीकत का रूप दिया। सड़क किनारे दिए बेचने वाले इन दिनों एक सुखद एहसास की अनुभूति कर रहे हैं। दिए बेचकर मिल रहे रुपए से त्योहार की खुशियां, ऐसा ही रिश्ता संभल। एसपी यमुना प्रसाद ने सड़क के किनारे दी दुकानदार के सामने बैठकर घुटनों के बल जैसे ही दुकानदार ने देखा हक्का बक्का रह गया और उसने भी दिखाने शुरू कर दिए। दिए बेचने वाले दुकानदार का नाम दीपक ने कहा कि मेरा तो भगवान मेरे सामने आकर बैठा, आज धनतेरस पर सुबह से कोई बिक्री नहीं हुई। एसपी यमुना प्रसाद ने उसके दिए लिए और खिलौने खरीद लिए और पुलिस टीम को भी हिदायत दी, सभी लोग मिट्टी के दिए खरीद कर दीपावली की रौनक कर अपने घर से पहले इनके घरों में रौनक करें। इस पहल पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। संभल सड़क किनारे दिए बेचने वालों के पास पहुंचे एसपी यमुना प्रसाद ने ढांढस बंधाया और बोले, भाई हम भी दिए खरीदने आए हैं, दिए भी खरीदेंगे और फोटो भी खिंचवाएंगे। जमीन पर एसपी यमुना प्रसाद गर्मजोशी भरी इस बात ने सभी को उनकी ओर खींच लिया। इसके बाद एसपी ने दिए लेने के बाद रुपए दिए तो एसपी बोले, मिट्टी कला को जिंदा किया है, आज कुछ बचपन की यादें जिंदा करा दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक, नाम भी आपका दीपक है, आज एसपी यमुना प्रसाद आपके यहाँ कौन आया था? एसपी साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा था आए तो। अच्छा, सुबह से खिलौने जैसे सोच रहे हैं कि धनतेरस से आज बिक्री होगी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा था, धनतेरस भी बहुत अच्छी है। अच्छा। आज की हाँ बढ़िया है। हाँ बहुत अच्छी। कप्तान साहब ने खरीद लिया? हाँ अच्छी लगी। हाँ बहुत अच्छा लगा। और क्या चाहते हैं आप? सरकार जैसे चल रही है उससे क्या चाहते हैं? अच्छी सही चल रही, यही चल रही है, अच्छा है। कुछ और कहना चाहेंगे? जैसे आज इतना बड़ा आदमी आपके पास खरीदा कप्तान ने, पुलिस ने, बहुत अच्छा लगा हमें तो। ठीक है।